चर्चा करेंगे 2024 के समीकरण किस तरीके से बन रहा है। अरे यार बगल में किसी को नहीं सुनाई दे रहा, धीरे से कह दो मोदी अच्छे। नहीं नहीं क्यों कहते भाई, तबला बाजे दिन दिन, एक पे कूदे तीन तीन, अब ये देश की जनता करने जा रही मोदी जी के साथ। मोदी जी कह रहे हैं कि सब भाग खड़े होंगे, आप उनका मेडिकल अगर चेकअप करा लेंगे तो उनका दिमाग जा चुका है। ये बोले थे ना झोला, हम तो गरीब आदमी है, झोला उठाएंगे साहब चल देंगे, ना तो झोला उठाने का समय रहेगा, अगर ईवी का तो छोड़ दीजिए। मोदी जी को आपने पूछा था ना कि इनके साथ जनता है, जिसके साथ उसकी बीवी नहीं उसके साथ जनता कहां से हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। इस वक्त मैं चाय की दुकान पर आया हुआ हूं, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं चाय की ढापली है और यहां पर लोग बैठे हुए थे चाय पी रहे हैं, तो लोगों से चर्चा करेंगे 2024 के समीकरण किस तरीके से बन रहा है, भाजपा को रोकने के लिए विपक्ष कितना एक्टिव है, इस पर ही चर्चा करेंगे। और मुंबई के अंदर विपक्ष यानी इंडिया द्वारा जो मीटिंग किया जा रहा है उसका कितना असर दिखने वाला है, उससे क्या निकल कर आएगा, यही सब पर चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है कि बीजेपी के सामने कोई विकल्प बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है? बन पा रहा नहीं, बन गया है विकल्प इंडिया के नाम से। और जहां देश की जनता इस सरकार से बहुत त्रस्त थी और जिन लोगों ने इनको वोट दिया, बढ़ चढ़ के वोट दिया, वो परिवार त्रस्त थे, वो सब विकल्प ही ढूंढ रहे थे। और इन्होंने विपक्ष को इतने बिखराव पे रखा था कि कोई विकल्प बन नहीं पा रहा था। लेकिन राहुल जी की पदयात्रा, राहुल जी का जो प्रयास था। हाँ, राहुल गांधी कौन सी दुनिया में आपको दिखाई दे रहे हैं? राहुल जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की, इतनी भारी भीड़ दिख रही वो आपको नहीं दिख रहा? कितनी भारी भीड़ चल रही थी, लाखों लोग चल रहे थे, और वो लोग थे जिनको निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया था। तो इंडिया पे 200 रुपए, आप तो इंडिया पे 200 रुपए जो कम हुआ है सिलेंडर पे, वो तो भारी पड़ जाएगा। ये टोटल बनियागिरी है। चुनाव के 6 महीने पहले और 4.5 साल तक तो लूटा देश की जनता को महंगाई के नाम पे, उसका क्या जवाब देंगे आप? लेकिन अभी विकल्प नहीं बन पाया है ना एनडीए का। इंडिया कर्नाटक में भी तो विकल्प नहीं बन रहा था आप लोगों के हिसाब से, मीडिया के हिसाब से। कर्नाटक पे पूर्ण विजय मिली कि नहीं मिली बताइए आप? हाँ बिल्कुल मिली, कर्नाटक मिली, हिमाचल मिली। तो आपको लगता है कि 2024 में बदलाव हो जाएगा? पूर्ण रूप से बदलाव होगा और देश की जनता ही बदलाव करके देगी। लेकिन बीजेपी वाले भैया कह रहे हैं कि चाहे जितनी मेहनत कर लें टक्कर नहीं है, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। अहंकारी को उनका अहंकार ही मारता है। क्या लगता है आपको भैया, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? राहुल गांधी सपनों में, सपनों में भारत की सरकार, एक सपनों में जो है वो जो बोले हैं अभी 15 अगस्त को कि हम पिछले साल फिर आके झंडा फहराएंगे, वो बोले हैं सपनों में। प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने जा रहे हैं, इंडिया की सरकार बनने का सपना तो पूरा हो जाता है। 14 में बोले थे, 19 में बोले थे, 22 में विधानसभा उत्तर प्रदेश में बोले थे, सपना पूरा हुआ, साकार हुआ। भैया झंडा लहराने का सपना नहीं देखा था उन्होंने दोबारा, लेकिन इस बार देखा है तो वो टूट जाएगा। हम लोग भी जो अपना ऑब्जर्वेशन है हम लोगों का, ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। महंगाई पर जब कंट्रोल कर रहे हैं, महंगाई पर लगातार कंट्रोल कर रही बीजेपी, तो आपको लग रहा है कि कोई मतलब नहीं है? मुझे एक नाम नहीं याद आ रहा, ओझा सर करके हैं, अवध ओझा जी, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। उन्होंने 6-7 महीने पहले बोला था कि क्या बोलते हैं, जैसे जैसे सरकार के 6 महीना बचेंगे वैसे महंगाई कम हो जाएगी। जैसे सिलेंडर, उन्होंने उदाहरण दिया था कि सिलेंडर का तुरंत जो है कम हो जाएगा, यानी 9.5 साल लूटो, उसके बाद जैसे चुनाव आए 6 महीना बचे 200 रुपए कम कर दो। ये केवल 2 मीटिंगों का कमाल है इंडिया की। इंडिया के 2 मीटिंग ने कमाल कर दिया। ये तीसरी मीटिंग में देख रहे हैं आप, कुर्ता फाड़ के रुमाल बना दिया। हमारी बात सुनिए, तीसरी मीटिंग में जैसे वो हुआ कि वहाँ पीसी होनी है, देश भर का वहाँ पे लोग जा रहे हैं अपना अपना पीसी कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे पता चला कि संसद बुला ली गई दोबारा। इनको उनके साथ समझ में नहीं उनके आ साथ राजनाथ सिंह जी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, नितिन गडकरी जी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे हैं। भैया मेरा नाम नितांत सिंह नितिन है, मैं बुंदेलखंड से आता हूं। मैं राहुल गांधी के साथ हूं। राजनाथ सिंह माने कुछ नहीं, जहां के हैं वो अपने गांव को पहले जाके देखें, वहां पे वहां के लोग उसके ऊपर थूकते हैं, सच्चाई है।
योगी आदित्यनाथ यहाँ पे देख रहे हैं, कल मैंने न्यूज देखी है, एक पुलिस वाली यानी पुलिस कर्मी, महिला पुलिस कर्मी, उसके साथ रेप हुआ है, चलती ट्रेन में रेप हुआ है, हापुड़ में वकीलों को दौड़ा दौड़ा के, महिला वकील को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार आए दिन उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। इससे अच्छा तो अखिलेश की सरकार थी, हमको कहने में तनिक भी परहेज नहीं है। अखिलेश ठीक थे आपके हिसाब से, गुंडागर्दी ठीक था? कुछ नहीं, कुछ गुंडागर्दी नहीं थी, इससे तो लाख गुना सही था। इन पुलिस को केवल बस इनकाउंटर, सिर्फ सपनों में मुझे लगता है आप लोग प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बना लेंगे। तो आपके हिसाब से कैसे बनता है फिर प्रधानमंत्री? जनता होनी चाहिए ना पीछे। आपने पदयात्रा में जनता नहीं देखी क्या? जनसैलाब नहीं देखा क्या? जन समर्थन नहीं देखा क्या? उसका परिणाम कर्नाटक और हिमाचल नहीं देखा आप क्या? तो टीका उका लगा है कुछ तो, मतलब नहीं टीके से क्या, क्या, क्या मतलब ऐसा कोई टेंडर निकला था क्या हिंदुत्व का जिसमें बीजेपी L1 आ गई थी और हम लोग H1 चले गए थे? ऐसा कोई मतलब थोड़ी नहीं, नहीं। ऐसा मतलब थोड़ा सोच समझ के बोलिए। बिल्कुल पूर्ण रूप से होशो आवाज में बोल रहे हैं भाई। अरे यार बगल में किसी को नहीं सुनाई दे रहा, धीरे से कह दो मोदी अच्छे। नहीं नहीं क्यों कहते भाई, हो तो अच्छे हो करे तो। भैया हमारी बात सुनिए, जो यहाँ पे कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष आया पता है कहाँ का है? काशी का। अब मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ता है, मोदी जी के हार गए। सुनिए सीना ठोक के लड़ता है, ठीक है ना? और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि मोदी को भागना पड़ता है, पीएम होने की वजह से उनको इतना ज्यादा प्रोटोकॉल मिल जाता है जो भीड़ के रूप में दिखने लगता है, हालांकि सच्चाई होती नहीं है, तब भी जीत जाते हैं मोदी जी। मोदी जी का जादू का माँ गंगा ने बुलाया था और माँ गंगा जिता रही है बार बार। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा। अभी मैं 1.5 महीने पहले बनारस काशी विश्वनाथ दर्शन करने गया था, हालांकि हर महीने मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे पान की टपरी वाले व्यक्ति, कितना सम्मान मिला होगा जैसे आप पहुंचे होंगे, सब चमचमा रहा होगा काशी, बम बम डोल रहा है। आपने गंदगी नहीं देखी बाहर का? कितना सम्मान मिला होगा, व्यवस्था नहीं देखी आपने? पान की टपरी वाले ऐसे ठेलिया वाले लोग परेशान, उनकी ठेलिया नगर निगम उठा के ले जाती है, 50,000 रुपया का दंड। सफाई करना है तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ा सा गंदगी सफाई आड़ में, फिर भ्रष्टाचार भी करना है आपको। काशी काशी रह कहाँ गया है भैया? काशी काशी नहीं रह गया है, लोगों के मकान तोड़ तोड़ के चौड़ी चौड़ी गलियां बना दिए हैं, ठीक है ना? जहाँ पे मैं भी जाता था, जहाँ पे श्मशान में जहाँ पे होली खेली जाती थी, वहाँ आज की डेट में अगर कोई होली खेलने तो चले लगता है कि मोदी चार्ज हो जाती है। तो आपको लगता है मोदी जी के विकल्प में इंडिया तैयार हो गया है? मोदी जी के विकल्प में इंडिया नहीं, राहुल गांधी तैयार हुआ है, ये याद रखिए। राहुल गांधी तैयार हुआ है, पप्पू बनाने में करोड़ों रुपए खर्चे हुए हैं। पप्पू बनाने में जो करोड़ों रुपया उन्होंने खर्चा किया है, सुनो पप्पू अब पप्पा बन के इनके बैठने वाले हैं। पप्पू अब पप्पा बन के बैठने वाले हैं, सपना देख रहे हैं। सुनिए सपना नहीं देख रहे हैं, पप्पू पप्पा बन गए। सुनिए कल की पीसी नहीं देखे राहुल गांधी की? देख लिया। एक एक अडानी के जितने बिजनेसमैन है चाइना से लेके, चाहे वो मुसलमान हो चाहे जो, ठीक है ना, जो इन्होंने गणित खेला है कि मुसलमानों के लिए नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। गणित बीजेपी के लिए बढ़िया है। सुनिए बीजेपी के लिए बढ़िया होगा ना, लेकिन इसका भुगत, इसकी जो क्या कहेंगे उसको, यानी इसका जो दुख होगा बाद में वो अडानी ही झेलेंगे, बीजेपी नहीं झेलेगी। बीजेपी से कांग्रेस जो हम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ठीक है ना, कार्यकर्ता हैं, हाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने झेला है यहाँ पे, ठीक है ना, कितनी लाठियां खाई, कितनी बार सिर फटे हैं हम लोगों के, सब एक एक नोट है, सब एक एक नोट है, एक एक अधिकारी का नाम नोट है जिसने आदेश दिया है, चाहे वो DM रहा हो, चाहे SP रहा हो, अब कमिश्नर हो गया है, ठीक है, सब एक एक नोट है, सब गिन गिन के बदला लिया जाएगा। सिर्फ बदले की भावनाओं में राजनीति हो रही है ना। देश हित के लिए अगर सोचने वाला कोई नेता है तो एक ही नेता। शुरू किसने किया? बदले की राजनीति शुरू किसने करी आप ये तो बताइए। हम लोग तो बदलाव की राजनीति करते थे, अभी भी बदलाव की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का मन है कि नहीं बदलाव के साथ साथ बदले की राजनीति होनी चाहिए। हमारे नेता ED और CBI ने जिस तरीके से परेशान किया है माननीय सोनिया गांधी जी को, आप भावुक हो गए एकदम? भावुक नहीं हो गए, सामने मिल जाए ना तो क्या क्या हो जाए, आप छोड़ दीजिए। कांग्रेस में आज भी भावुक क्यों हो गए, मतलब अपनी बात रखिए। सुनिए कांग्रेस में आज भी चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां जैसे लोग हैं, लेकिन हमारी कांग्रेस की परंपरा ऐसी है कि अगर वो थोड़ा सा भी, वो कहते हैं आराम से काम लो, यानी जज्बाती मत बनो। तो 24 में आपको लगता बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल बदलाव होगा, गांव गांव जाके देखिए, हम लोग जाते हैं गांव में, मेरे गांव में पूरा गांव संघी है,
आज की डेट में सब राहुल गांधी, सब गरीब आ रहे हैं। कल की बात आप ले लीजिए, मोदी जी कह रहे हैं कि सब भाग खड़े होंगे, सब भाग खड़े होंगे, खाली चुनाव आने दीजिए और वोट पड़ने दीजिए जनता का, मत जो है एक तरफा है। मोदी जी इस समय क्या बक जाएं? हाँ। इसका कोई भरोसा नहीं है। आप उनका मेडिकल अगर चेकअप करा लेंगे तो उनका दिमाग जा चुका है इस उम्र में। इस उम्र तो आप मेडिकल करा लीजिए ना, मोदी जी का मेडिकल करा लीजिए, उनका दिमाग खत्म हो चुका है, इसलिए वो उनका मेडिकल करवाएं। इस समय वो क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं इस पे? लाल किले से बोले थे हम तीसरी बार बनेंगे, झंडा हम ही फहराएंगे। अच्छा, दो बार पहले इसके बोले थे, ये नहीं बोले थे ना, तीसरी बार बोल रहे हैं, इसलिए कि अब जाना है, अब उन्हें ये मालूम हो गया जाना है, इसलिए लोगों को समझाने के लिए तीसरी बार बोलने की जरूरत पड़ गई। इससे साबित हो रहा है कि वो अपने आप को समझ रहे हैं कि अब हमको बिस्तर पे जाना है। अहंकार तो रावण का नहीं रहा, फिर आप वही बात कहने लगे, फिर वही बात कहने जो सदन में राहुल गांधी बोले वही बात दोहरा रहे हो। अहंकार तो रावण का नहीं रहा, तो मोदी कौन सी बड़ी चीज है? उसने वही बात कहने लगे जो सदन में राहुल गांधी बोले थे, गलत बात है ना। रावण नहीं, रावण की तुलना जो है आप मोदी से कर देंगे। राहुल गांधी आम आदमी की बात रखते हैं, हिंदुत्व की बात मोदी जी करें, अमित शाह जी करें, नितिन गडकरी जी करें, योगी आदित्यनाथ करें, आप लोग बताएं उनको रावण से तुलना करें। 70 सालों से कांग्रेस का शासन था, 70 सालों से कांग्रेस का शासन था, तब हिंदुत्व खतरे में नहीं आया, 9 साल ये आए तो हिंदुत्व खतरे में आ गया, भंडाधार हो गया हिंदुओं का, कैसे हो गया? काम विदेशों में डंका बज रहा है, शायद पहली बार कभी किसी के राज में हुआ होगा। भैया हमारी बात सुनिए, हमारे बहुत सारे जानने वाले विदेशों में रहते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे जानने वाले, पता है अभी अमेरिका में, सुनिए सुनिए अमेरिका में सुनिए, तो पता है क्या लोग कह रहे हैं? मेरी एक दिन वीडियो कॉलिंग, मेरा भांजा रहता है भैया, बात हो रही थी तो उसने बताया कि यानी बता दो कि इंडिया के लोग हैं तो बड़ा अजीब बर्ताव करते हैं हम लोग के साथ, केवल मोदी की वजह से। यहाँ की जो मीडिया है, ठीक है ना, वो केवल दिखाती है, बाकी कुछ है नहीं विदेशों में, सच्चाई यही है। 5 किलो राशन आड़े आएगा आप लोगों के, देख लेना, चुनाव में 5 किलो राशन आड़े आएगा। 5 किलो इन्हीं के राज में मिलता था, 5 किलो क्या इन्हीं के राज में राशन मिलता था, पहले से ही राशन मिलता था जनता। कांग्रेस के राज में राशन की दुकानों में शक्कर, तेल, घी, नमक, साबुन सब कुछ मिलता था, और इनके राज में शक्कर गायब। हाँ, पत्ते भी बांधते थे लोग, पत्ते, मिट्टी तेल अब दिखता नहीं है, कहाँ चला गया। अब ये कह रहे 5 किलो राशन में एक परिवार क्या महीने भर खा लेगा? आप ये बताओ ना, सारे लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया। लोग पत्ते बांधते थे, कांग्रेस ने पत्ता हटा के कपड़ा दे दिया। जिस तरह से बेरोजगार यही है, जिस तरह से बिजनेस लोगों खत्म हुए, लोगों की दुकानों के शटर बंद हो गए, सिर्फ इनके कामों के वजह से, सिर्फ इनके। आने वाला समय बता रहा है, आने वाले समय जो हम देख रहे हैं मोदी जी के साथ जो होने वाला है कि तबला बाजे दिन दिन, तबला बाजे दिन दिन, एक पे कूदे तीन तीन, अब ये देश की जनता करने जा रही मोदी जी के साथ। तबला बाजे धीन धीन, एक पे कूदे तीन तीन, क्या मतलब यार? अब ये पब्लिक इनको बताएगी कि जितना अन्याय, जितना अभी भी वक्त है राहुल गांधी सिलेंडर कर दें, भ्रष्टाचार अभी भी वक्त है सिलेंडर कर दें मोदी यही जी बात के। आप मोदी जी को समझाओ कि अभी भी वक्त है सिलेंडर कर दें, ये उनको समझाओ, मतलब मोदी जी सिलेंडर का भी नहीं, उनको भागने का भी वक्त नहीं मिलेगा, राहुल गांधी सामने सिलेंडर कर दें, बिल्कुल कर दें, ये वक्त आ गया है। ये राहुल गांधी की ही मेहनत थी जो इतने दल इकट्ठे हो गए, सब अन्याय से तो पीड़ित थे। उमर के हिसाब से आप देखिए, उमर के हिसाब से लग रहा है, उमर को देखिए, ईडी क्या मतलब है, आपने सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन सबको कठपुतली बना दिया। उमर के हिसाब से बाल भी गायब, दिमाग भी गायब अपना कर रहे हैं। उम्र के हिसाब से बाल और दिमाग दोनों गायब है लग रहा आपके। अब मैं क्या बताऊं, कोई कोई अगर कोई कोई पर्सनल कमेंट करने में आ गए हो क्या? बीजेपी वालों ने भेजा है क्या? पर्सनल कमेंट आप क्यों कर रहे हैं भाई? मैं बता रहा हूं क्यों कर रहे हैं। आपकी बात का जवाब ये, ये क्या कह रहे हैं, सुने नहीं आप, क्या बोले? सही बोल रहे हैं आप, बोलिए सर, बोलिए आप, सिलेंडर कर दें मोदी जी, अब सिलेंडर कर दें, आपने कहा कि राहुल गांधी सरेंडर, इस समय सिलेंडर कर दें, नहीं नहीं तो बाद में भगने का भी समय नहीं मिलेगा। ये श्रीलंका बना दोगे, श्रीलंका बना नहीं बनाएंगे, बोले थे ना कि झोला, हम तो गरीब आदमी है, झोला उठाएंगे साहब चल देंगे ना, तो झोला उठाने का समय रहेगा, गरीबी का तो छोड़ दीजिए। वो फकीर आदमी है भाई, हमेशा फकीरी में दिन गुजार रहे हैं। हमारे यहाँ जो है गांव में, जब हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, हम लोग क्या बिलोंग कर, जब फकीर आता क्या करें, फकीर की मजार बनती है, फकीर के मजार बनती है, समाधि बनती है।
सारे फकीरों की मजार बनती तो क्या उनकी मजार बनवाना चाहते है? वारे गोदी मीडिया वाले यही चाहते उनकी मजार बने। कांग्रेसी कभी ये नहीं चाहता। राहुल गांधी देशभक्त है, देश हित में बात करते हैं। और मोदी जी को आपने पूछा था ना कि इनके साथ जनता है, जनता नहीं है, इनके साथ इनकी बीवी नहीं है, और ये तीन चार लोग इनके साथ उद्योग। अब आप पर्सनल जा रहे हैं तो नहीं, इस उम्र में आप पर्सनल जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम आपसे मतलब जनता नहीं है उनके साथ बीवी नहीं, क्या मतलब है? जिसके साथ उसकी बीवी नहीं उसके साथ जनता कहाँ से हो जाएगी? तो 14-19 दोनों में जनता तो थी ना साथ खड़ी? जनता कभी नहीं थी। एक अडानी थे, एक मिश्रा जी ईडी के हैं, एक चुनाव आयोग है और एक सीबीआई है। इतने लोग को छोड़ करके बाकी उनके साथ कोई नहीं है। तो जब इतना ही आपको विश्वास है कि ये सारे लोग हैं तो 24 में जीतने का सपना क्यों देख रहे हैं? हमको विश्वास, आपको नहीं विश्वास है क्यों? ये आपको इतना सपना है कि उनके साथ इतने लोग खड़े हैं तो 24 का सपना क्यों देख रहे हैं भाई? हमको एक बात बता दीजिए, अगर इतने इनके सगे नहीं थे तो तीन बार मिश्रा जी को ईडी का प्रमुख बनवाने में कितने परेशान हुए। अब सुना चर्चा आ रही है कि उसके बाद सीबीआई और ईडी के दोनों के वो बना दिए जाएंगे, आखिर काहे को चिंता है? तो आप इसको मान लीजिए कि इन्हीं के सहारे सत्ता में आए थे। भाई अब देश में सिर्फ एक ही चुनाव होगा, बाकी सब चुनाव देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक ही चुनाव होगा। और मोदी जी ने पहले ही कह दिया था मैं झोला लेकर भाग जाऊंगा, तो कुछ अपने चेलों को भगा चुके हैं जो जाके हमारा वहाँ इंतजाम करना, हम भाग के आएंगे। यहाँ पर चाय की दुकान पर लोगों से बात कर रहे थे, लोगों ने अपनी राय दी है, आप क्या क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आप 24 तक न्यूज।